रतलाम जिले के सेलना में पूर्व स्वर्गीय मंत्री प्रभुदयाल गहलोत की प्रतिमा का अनावरण पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने किया। अनावरण के बाद में सेलना विधायक के निवास पर एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कमलनाथ ने संबोधन देते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में ज्योतिराज सिंधिया के टाइगर बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि टाइगर सर्कस का है और कई तरीके के जैसे घोड़े होते हैं उन्हीं में से ये कौन सा घोड़ा है या कौन सा टाइगर पता नहीं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रतलाम से अशोक परमार की रिपोर्ट। अब ये उनका अंदरूनी मामला है, आप ये सौदे की सरकार है, सौदे सौदे का मंत्रिमंडल है, सौदे मंत्री जो विधायक नहीं है तो ये सौदा नहीं है, तो ये क्या है? ये मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का अपमान पूरे देश भर में हो रहा है। किस प्रकार का खिलवाड़ मध्य प्रदेश के प्रजातंत्र के साथ होता है, हमें तो शर्म आती है कि इस प्रकार की राजनीति उत्पन्न हो मध्य प्रदेश में। ऐसी राजनीति मध्य प्रदेश में कभी नहीं होती।